क्वेश्चंस है, देखते हैं इसको जरा जल्दी से। कह रहे अ ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यार इनकम स्टेटमेंट का पुराना नाम था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मतलब, इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर नेट लॉस। क्या मतलब, ग्रॉस तो प्रॉफिट आ रहा है लेकिन नेट जो है वो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो अब आपको बताना है भाई क्या मसला होगा, व्हाट कॉज द लॉस फॉर द ईयर। आपको बताया नेट लॉस कब आएगा, यार देखें वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल एक्सीडिंग सेल, अगर सेल्स कम हो और कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हो तो आंसर आएगा ग्रॉस लॉस। बहुत रेयर होता है कि सेल्स कम है और कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है, ग्रॉस लॉस है तो नेट भी लॉस आएगा। लेकिन इस सवाल में वो कह रहा है ग्रॉस तो क्या है हमारे पास, प्रॉफिट, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड में क्या कह रहा है भाई, एक्सपेंस एक्सीडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ये बात सही है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं ग्रॉस प्रॉफिट से तो रिजल्ट क्या आएगा, लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा एक्सपेंस से तो प्रॉफिट आएगा, सेल्स एक्सीड होगी ग्रॉस प्रॉफिट से, कॉस्ट ऑफ सेल से तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन हमें नेट लॉस का बताना है। तो वन का आंसर